मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं मम्मी पापा के यहाँ पर हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मम्मी पापा ने और मैंने साथ में ब्रेकफास्ट किया। यश भी निपेश और इनके साथ गया हुआ है वीकेंड का एंजॉय करने के लिए, और वो लोग सच में वहाँ पर इतना चिल कर रहे हैं और इतने मज़े कर रहे हैं ना, वीडियो कॉल कर करके जला रहे। पर कोई बात नहीं, हम भी कुछ टाइम में वीकेंड प्लान कर लेंगे, वो भी अच्छा वाला। पर बॉयज़ है इसलिए तो इनका तो फुल फन मस्ती चल रहा है, और मेरा भी यहाँ पर मस्ती चल रहा है। यानी सब मायके के मज़े कैसे होते हैं आप लोगों को पता तो है। सब जने इतना याद कर रहे थे, यानी मैं बहुत टाइम से यहाँ पर आई नहीं थी और सब बहुत याद कर रहे थे। पापा याद करें, आज तो स्पेशली फादर्स डे, ये शायद जब व्लॉग जाएगा तब दो तीन दिन लेट जाएगा। आज फादर्स डे और मैं आज यहाँ पर हूँ, वो भी बहुत अच्छी बात है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। पापा तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। और सुबह से उनका लाड़ वगैरह चालू है, मेरी बेटी आई करके, और बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करो और मैं मेरे डे को एंजॉय करती हूँ। यहाँ पर सब मुझे मिलने आए हैं, यानी मेरे बच्चे, मेरे सारे कजिन्स के बच्चे। फर्स्ट है ये, आप खुद को इंट्रोड्यूस करो भैया। बोलिए क्या बोलूं मैं। ये है क्रिश पंचाल, आप इसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये हिमांशु पंचाल, इसको भी कर सकते हो। ये इसने मेरी एक रील एडिट की थी और फर्स्ट रील इसने मुझे एडिट की। ये अंश पंचाल, और इसने भी मेरी रील एडिट की थी। और ये है कल्याणपुर का डॉन, हाथ में जाते चलो। कुछ बोलो, अच्छा बोलो। ध्रुम पंचाल, ध्रुम फोर। हम कल्याणपुर से हैं। हम कल्याणपुर से। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरे पापा का नाम मुकेश। कानू क्या कर रहे हो? हाँ, तेरे बाल कटिंग कर लूँ? हैं, चलो कर ले बाल कटिंग। शादी में कटवाता था। लोकेश मर गया। एक ही है। मैं काट दूँ तेरे बाल? चलो। दो मर गए। कौन मर गया? दो। पर बाद में काटना। क्यों? अब भी काटूंगी मैं बाल तो। बाल तो अभी काटेंगे। हैप्पी फादर्स डे।
तूने तेरे पापा को बीच किया किया नहीं किया सही बात है यूं कह दे बोल सही बात है यूं सही बात है यूं कह दे ये कैमरा क्या रे क्या है ये कैमरा का ये लेंस है ये किसकी बुआ है ए ये बुआ किसकी है अभी बहुत सारी मस्ती की पापा के साथ मम्मी के साथ सारे बच्चे भी आए थे मिलने के लिए तो आज हमने फाइनल किया है कि पापा मम्मी और मैं तीनों जने जा रहे हैं नाना के घर पे नाना से भी मिलने और मेरी मामा की लड़की यानी मेरी कज़िन सिस्टर को बेबी हुआ है तो उसको भी हम मिल के आते हैं तो आज जाएंगे हम नाना के घर पे वहाँ पर हो सका तो मैं शूट करूँगी नहीं तो फ़ोन से ही शूट कर दूँगी आपको दिखाऊँगी कि वहाँ पर बहुत अच्छा प्लेजेंट माहौल है इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ नाना के घर जाने के लिए और आज फादर्स डे है मैंने पापा ने मम्मी ने तीनों ने ब्लू ही पहना है मैं आपको बताऊँगी ये है हमारी परी मेरी कज़िन की लड़की देख लो इसको हम जा रहे हैं ये नाना के घर पे और मम्मी भी रेडी हो गई है मैं भी रेडी हो गई हूँ पापा कार निकालने गए ये पापा यहाँ पर गाड़ी निकाल रहे हैं मम्मी यहाँ पे वेट कर रही है और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ वी आर रेडी टू गो निकल चुके हैं हम आ गई हूँ मैं मेरे घर पे यानी मैं जैसे ही वहाँ से आई नाना के घर से तो घर पे आ ही रहे थे इतने में चुकू ने बोला हम लोग भी आ गए हैं वीकेंड से हमारे तो मैं आपको लेने आ जाता हूँ तो मैं मेरे घर पे ही आ गई और चिकू तो सोए हुए हैं यानी बहुत ज़्यादा थक गए पार्टी कर करके चिल कर करके और इसी के साथ मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में